Hello everyone, let us start today's second class on wave optics. Wave optics का एक theoretical article आज है, Huygens theory, और बहुत important है, एक long question भी आता है उसमें. The theory says light is a wave. Light wave है तो फिर light का जो जो चीजें हो रहा है, effects, reflection हो, refraction हो, interference, diffraction, polarization, dispersion, क्या ये सारा चीज को समझा सकते हैं? तो वो verification है उसका. दूसरी चीज ये हुआ, जैसे मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, लाइट एग्जैक्टली क्या है? इट्स ए फ्लो ऑफ फोटॉन्स और इट्स ए रे और इट इज ए वेव. क्या है उसके बारे में अभी तक कोई सही जानकारी नहीं मिला. मतलब सारा जानकारी है, अगर लाइट को हम एक फ्लो ऑफ फोटॉन्स समझेंगे तो कुछ चीजें वो एग्जिबिट करेगा, अगर वेव सोचेंगे तो उसको प्रूफ नहीं कर पाएगा. जैसे लाइट हम एक वेव कहेंगे, अगर लाइट जैसे हम किसी एक जेट ऑफ वाटर को किसी वॉल पे डालते हैं तो वॉल पे वो फोर्स लगाता है. सिमिलरली लाइट टॉर्च लाइट डालोगे तो दैट लाइट स्ट्राइकिंग द वॉल आल्सो इंपार्ट्स ए फोर्स. दैट कैन बी कैलकुलेटेड कंसीडरिंग लाइट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फोटॉन्स. इंटेंसिटी हम लोग जान चुके हैं कि इट इज एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. अगर एक लाइट रे आ रहा है कुछ एनर्जी लेके E1, एक दूसरा लाइट रे आ रहा है कुछ एनर्जी लेके E2, दोनों जहां पर मिलेंगे टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए? E1 प्लस E2. वो फोटोन एनर्जी से फोटोन वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा. फोटोन वाला फॉर्मूला और पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है कि लाइट अगर मिलेगा टोटल एनर्जी विल बी ऑर्डिनरी सम ऑफ एनर्जीज, क्योंकि एनर्जी इज स्कैलर क्वांटिटी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. कौन इसको जस्टिफाई करता है? वेव थ्योरी. कंसीडरिंग लाइट इज ए वेव, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. तो कुछ चीजें ये प्रूफ करता है, कुछ चीजें वो प्रूफ करते हैं. कोई एक अकेला प्रिंसिपल से हम लाइट का सारा जो एग्जीबिशन से उसको हम सारा जो अवतार है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो लाइट इज कंसिडर्ड एज ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल. बहुत सारा उसके बारे में कहावत है. ठीक है, हमारे स्क्रिप्चर में तो लाइट को भगवान कहा गया. इज नॉट अंडरस्टूड बाई एनी वन. यू कैन नॉट सी इट बट इट इल्यूमिनेट्स एवरीथिंग. नहीं, लाइट को कोई नहीं देख सकता, बिना लाइट के सहारे कुछ नहीं दिखता. कैन यू सी लाइट? नो. लाइट अगर यहाँ पर आ रहा है, बीच में लाइट नहीं दिख रहा, मेरे ऊपर गिरा तो आप मेरे को देखो. सपोज हम सन की तरफ जाएंगे, क्या मिलेगा आपको? उजाला मिलेगा कि अंधेरा मिलेगा चारों तरफ? सपोज यू लीव अर्थ एंड गो टुवर्ड्स सन, कितना दूर चले गए? मान लो 25 लाइट ईयर आगे चले गए टुवर्ड्स सन. चारों तरफ आपको क्या दिखेगा, अंधेरा की उजाला? एब्सोल्युटली डार्क. क्या वहां पर लाइट नहीं? उधर से तो लाइट आ रहा है. लाइट यू कैन नॉट सी. क्या दिखेगा आपको? अपना हाथ दिखेगा, लेकिन चारों तरफ सारी चीज अंधेरा दिखेंगे. जैसे कि आप ड्रामा में दिखते हो ना, कुछ लोग रहते हैं उनके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ा रहता है, पूरा अंधेरा, वही लोग दिखते हैं खाली. अगर 2-3 लोग जा रहे हैं तो एक दूसरे को देख सकते हैं और चारों तरफ देखो अंधेरा है. क्योंकि लाइट कैन नॉट बी सीन बट थिंग्स इल्यूमिनेटेड बाई लाइट कैन बी सीन. तो इतने सारे जो एग्जीबिशन है वो सारे को लेके बहुत सारे तरीके से लाइट को प्रूफ करने की और एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया गया है. हाइजेंस प्रिंसिपल में लाइट को वेव जैसे कहा गया है. अगर वेव है तो लोग पूछे, अगर वेव है तो बताओ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, सारा चीज समझाओ. वो समझाने की कोशिश की. तो हम लोग पढ़ेंगे अभी व्हाट इज हाइजेंस थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब यूजिंग हाइजेंस थ्योरी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है, क्या कहता है? विल राइट. और ये कोई लॉ नहीं है कि जैसे मैं लिख रहा हूं आपको एग्जाम में एग्जैक्टली वही लिखना है. मैं जो चीजें लिखूंगा वही लिखना है, किसको आगे किसको पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं अगर 5 पॉइंट करके लिख रहा हूं आप 3 पॉइंट करके लिख सकते हो, 7 पॉइंट करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंटायर मैटर टू बी रिटन. ठीक है, पहला हुआ ए सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस. From which energy propagates in all direction as a wave.
कोई पॉन्ड के पानी में आप एक पत्थर डाल दिए, जहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ वहां से वेव गया चारों तरफ, तो ये कहते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, जहां से वेव चारों तरफ जाता है। एज गुड एज कोई पॉन्ड की पानी था, रेस्ट में था, उसमें एक छोटा सा कंकड़ आप डाल दी, जहां डाल दी जहां डाल दी वहां से चारों तरफ वेव जाने लगा, मतलब तो कोई लाइट ग्लो कर गया तो चारों तरफ वेव जाने लगा, दैट इज द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो कैसे जाता है, हाउ द लाइट प्रोपेगेट्स, कोई भी वेव कैसे प्रोपेगेट करता है, बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। लाइट इज ए ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है, तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए आगे जा रहे। अब बेसिकली हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि व्हाट इज ए वेव, जैसे जैसे हम कहेंगे कि वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। अगर मान लो कि यहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे खड़े हैं, सपोज ढेर सारे लोग ऐसे खड़े हैं और पास पास खड़े हैं, सब क्यू में खड़े हैं ऐसे, आप क्या करते हो, सबसे पीछे वाला जो है उसको अगर आप एक धक्का दे देते हो तो सबसे आगे वाला गिर जाता है, इनमें से कोई नहीं गया उसको मारने के लिए, बट द एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड, है ना, एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होते 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 आया उसके पास आया। हुआ क्या, जब इसको आप धक्का दिए, ये थोड़ा हिल गया, ये हिल गया, तो बगल वाले को धक्का दिया, वो भी थोड़ा हिल गया, लेकिन कोई मूव नहीं किया, सब अपनी जगह हिल गए, है ना, तो फिर ये हिल गया, फिर ये हिल गया, फिर ये गिरा सामने। तो वैसे ही जब लाइट प्रोपागेट कर रहा है, देयर इज वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन हो रहा है। देखो मान लो कि यहाँ पर ये वेव जब यहाँ तक पहुंचा, जो एनर्जी यहाँ तक पहुंचा, मेटेरियली मूव नहीं किया, एनर्जी पास कर गया, तो व्हाट यू से ए वेव हैज गॉन थ्रू एंड हाउ द पार्टिकल्स वेर ऑल ऑसिलेटिंग, दे वेर ऑल ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे हिल रहा था, ये भी ऐसे ऐसे हिल रहा था और एनर्जी इधर जा रहा था, इस किस्म की वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जहां पर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, उसमें क्या होता है, मान लो कि कोई एक स्ट्रिंग है, आपने इसको छोटा सा पीस ऑफ पेपर यहाँ पे रख दो, यहाँ पे एक बार मार दो, तो ये ऐसे हिलेगा, फिर ये ऐसे हिलाएगा, ऐसे करते 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 दिस पीस ऑफ पेपर विल बी थ्रोन आउट, मतलब एनर्जी यहाँ से यहाँ पर गया, हर एक पार्टिकल जस्ट ऑसिलेट कर रहे थे और फिजिकली मूव नहीं कर रहे थे, दे वर ऑल वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड द एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड। समझ में आया, अभी सोचो कि ये कोई एक पॉइंट है जहां से ढेर सारे थ्रेड ऐसे लगा गया है, चलो मानते हैं कि ऐसे करके ढेर सारे थ्रेड हम कनेक्ट करके रखें, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, सारे थ्रेड टाइट में, बराबर थ्रेड, इक्वल मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ठीक सिमिलर थ्रेड, सिमिलर थ्रेड को ऐसे कनेक्ट कर दें। अब मैं क्या करता हूँ, इस थ्रेड को एक बार ऐसे सेंटर पॉइंट में ऐसे मार देता हूँ, और जो वाइब्रेशन होगा दैट विल सेंड एनर्जी इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, चारों तरफ जाने लगेगा। जब ये वाला थ्रेड का ये वाला पॉइंट वाइब्रेट करने लगेगा, तो ये वाला थ्रेड का ये वाला पॉइंट भी वाइब्रेट करेगा, उतना ही दूर आया होगा, इसका ये वाला वाइब्रेट करेगा, इसका ये वाला वाइब्रेट करेगा, इसका ये वाला वाइब्रेट करेगा, हम कहेंगे दीज आर द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, एक साथ वाइब्रेट करना शुरू किए। समझ में आ रहा क्या, अगर हम देखेंगे यहाँ पर ढेर सारे ऐसे थ्रेड लगे और ये सारा पार्टिकल को इसे जोड़ेंगे, हाउ टू लुक लाइक ए सर्किल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जैसे मान लो कि इसे बहुत सारे थ्रेड लगे तो सर्किल लगेगा, एग्जैक्टली सेम थिंग को मैं यहाँ पर 3D में बताना चाहता हूँ। लाइट इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जैसे लाइट चलना शुरू किया चारों तरफ जाने लगा, आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में, जब ये सोर्स है यहाँ से यहाँ पर जो पार्टिकल जब वाइब्रेट करना शुरू किया, यहाँ का पार्टिकल भी वाइब्रेट करना शुरू किया, यहाँ वाला वाइब्रेट करना शुरू किया, वो सारा पार्टिकल को जोड़ेंगे, हाउ डू लुक लाइक स्पीयर, और उसी को कहते हैं वेव फ्रंट, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट, मतलब जब ये वाइब्रेट किया तब ये वाइब्रेट किया, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे जो पॉइंट है वो जो वाइब्रेट किया, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे जो पॉइंट है वो भी वाइब्रेट किया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे जब जो पॉइंट था जब वाइब्रेट किया, इधर 5 सेंटीमीटर दूरी पे जो पॉइंट था वो भी वाइब्रेट किया, मतलब हाउ मेनी वेव फ्रंट्स यू आर गेटिंग, नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स। समझ में आ रहा है, अच्छा दैट इज व्हाट आई वांट टू राइट नाउ, क्या लिखना चाहते हैं इसमें, हम लिखना चाहते हैं लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड
इज कॉल्ड ए वेवफ्रंट। वन मार्क वाला क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू मीन बाय ए वेवफ्रंट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ए वेवफ्रंट, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। व्हाट इज द शेप ऑफ, ये हाइजेंस प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट दो वार्निंग है, एक हुआ वेवफ्रंट, दूसरा है रे, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज ए वेवफ्रंट, यू कुड फॉलो कि इट इज लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अच्छा, इन ए होमोजेनियस मीडियम मतलब लाइट का वेलोसिटी हर डायरेक्शन में बराबर है, ठीक है, लाइट का वेलोसिटी हर डायरेक्शन में बराबर है, इन ए होमोजेनियस मीडियम दी शेप ऑफ वेवफ्रंट्स ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल। कोई अगर पॉइंट सोर्स है उसके लिए जो वेवफ्रंट्स बनेंगे कैसे बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे, बहुत सारे वेवफ्रंट बनेंगे, सबका सेंटर कहाँ रहेगा, एट द सोर्स, ठीक है ना। क्या वैसे ही गेस करके बता सकते हो कि कोई अगर लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, ट्यूबलाइट ग्लो करने लगा तो एनर्जी इधर भी गया, इधर भी गया, इधर गया, इधर गया, तो कैसा होगा, सिर्फ सिलिंड्रिकल, और उसका एक्सिस कहाँ रहेगा, एट द लाइन सोर्स। एंड डिफरेंट वेवफ्रंट को देखेंगे तो देयर बी कोएक्सियल, सारे का एक कॉमन एक्सिस रहेगा, कोएक्सियल सिलिंड्रिकल, है ना। तो हम क्या कहेंगे, बस यही है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट्स ड्यू टू ए लाइन सोर्स ऑफ लाइट और ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे करके पूछेंगे। क्या पूछेंगे, व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट, सो ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल, ड्यू टू ए लाइन सोर्स द वेवफ्रंट्स आर कोएक्सियल सिलिंड्रिकल एंड ड्यू टू ए प्लेन सोर्स द वेवफ्रंट्स आर पैरेलल प्लेन्स। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिया, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए वेवफ्रंट, जीरो, बिकॉज़ सेम फेज में रहने से लोकस को वेवफ्रंट कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवफ्रंट। व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स लाइन सोर्स एंड ए प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स मतलब मान लो कि ये बोर्ड इज ए सोर्स ऑफ लाइट, इसे फ्लड लाइटिंग हो रहा है इसमें, तो यहां से लाइट आ रहा है, जब ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, सारे को जोड़ो, दे विल बी लुकिंग लाइक ए प्लेन, डिफरेंट प्लेन्स आर देयर, है ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है, पॉइंट नंबर फोर हुआ। अच्छा, तो जो वेवफ्रंट है वो क्या है, ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वो वाइब्रेट करने के कारण वो एनर्जी को आगे भेज रहा है, उसका बगल वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है। बट इंटरेस्टिंग ये है कि जब एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल था मेन पार्टिकल, ये यहाँ से एनर्जी गया, ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगा, ये वाइब्रेट किया तो उसके नेक्स्ट में ये क्यों वाइब्रेट करेगा, पीछे वाला क्यों नहीं करेगा, साइड वाला क्यों नहीं करेगा, सब करेंगे, बिकॉज इट इज जस्ट ऑसिलेटिंग। So, कैसे जाता है, दैट सोर्स दैट पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रीचिंग एंड इट इज एमिटिंग अगेन सोर्स एज ए सोर्स इज कॉल्ड ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो डिफरेंट टॉप में यूज कर रहा हूं, थोड़ा देख लेना, एवरी पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट बिहेव्स एज एज ए
secondary source of light and produces intermediate wavelets समझ में आया ये इंटरमीडिएट वेबलेट बनाता है कौन सा शेप के होंगे जो वेब फ्रंट है वो वेब फ्रंट किसी भी शेप का हो सकता है इट में भी सिलिंड्रिकल इट में भी पैरेलल और इट में भी स्फेरिकल लेकिन उसका ऊपर जो पॉइंट है दैट इज अगेन ए सोर्स वहां से एनर्जी जा रहा है और दैट इज ए पॉइंट ओनली तो पॉइंट के लिए क्या होता है स्फेरिकल होता है तो जो इंटरमीडिएट वेबलेट होंगे वो हरदम स्फेरिकल होंगे ठीक है तो इंटरमीडिएट वेबलेट्स ऑफ स्फेरिकल शेप थोड़ा मैं थ्रू ए फिगर बताना चाहूंगा हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट जब यहां से लाइट चलने लगा चारों तरफ तो आपको ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ता है तो हुआ क्या यहां पे जो जो विपरण बना मान लो कि ये पहला विपरण है ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज देखो मैं वर्डिंग यूज किया था होमोजेनियस मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम इन ऑल डायरेक्शन मतलब यहां से लाइट इधर जितना स्पीड में भागेगा उधर भी उतना ही स्पीड में भागेगा होमोजेनियस नहीं होता तो केस बदल जाता ठीक है अभी इसके चलते जब लाइट यहां पर आके पहुंचा यहां पर भी पहुंचा यहां पर भी पहुंचा अब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ये भी वाइब्रेट कर रहा है ये भी वाइब्रेट कर रहा है ये सारा पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे हैं और उनके चलते एनर्जी और बनेगा अब ये अगर पॉइंट सोर्स था तो ये स्फेरिकल था ये लाइन सोर्स था तो ये सिलिंड्रिकल था लेकिन ये सारा जो पार्टिकल अभी वाइब्रेट करने वाले दे आर ऑल पॉइंट सोर्सेस ओनली इनके चलते जो वेव बनेगा वो भी चारों तरफ ऐसे ही जाना शुरू करेगा दी वेव विल गो इन दिस डायरेक्शन इन एवरी डायरेक्शन यहां से है कि नहीं तो एक सिंगल सोर्स था इट हैज कन्वर्टेड इनटू ए नंबर ऑफ सोर्सेस यहां पर आपका वो मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा कि आप कहते हो लाइट गोज इन ए स्ट्रेट लाइन लाइट नॉट नेसेसरली गोज इन ए स्ट्रेट लाइन क्या है देखेंगे ठीक है तो ये ऐसे करके जो चीजें बने उनको हम क्या कहेंगे इंटरमीडिएट वेवलेट्स मतलब यहां से एनर्जी इधर भी जा रहा है 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 ठीक है ये सारा जो इंटरमीडिएट वेवलेट्स हम लोग देखे इंटरमीडिएट वेवलेट को कवर करता हुआ फॉरवर्डिंग एनवलप ये जो एनवलप ले लो जो इनको कवर कर रहा है ऐसा एक एनवलप को हम कहेंगे सेकेंडरी वेवफ्रंट पहला वाला क्या था प्राइमरी वेवफ्रंट कौन ये वाला अच्छा ये वाला क्या था प्राइमरी सोर्स ये पूरा लेबलिंग करके लिखना पड़ता है कौन है ये अच्छा सेकेंडरी सोर्स कौन है सेकेंडरी सोर्स एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ये सेकेंडरी सोर्स ये प्राइमरी वेव फ्रंट प्राइमरी सोर्स ये जो दूसरा बना यहां पे इसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट कौन ये वाला फिर इसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे फिर और वेव फ्रंट बनेंगे और वेव फ्रंट बनेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल सी सेवरल वेव फॉर्म्स आर फ्रंट्स आर फॉर्म ऐसे करते करते ढेर सारे वेव फ्रंट आगे चलने लगेंगे ढेर सारे विपरण आगे चलने लगेंगे ऐसे करके समझ में आया हाँ तो इस चीज को लिखने वाले हैं हम लोग क्या लिखेंगे लिखे कि एवरी पॉइंट ऑन ए विपरण बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट वेवलेट्स ऑफ स्फेरिकल शेप ठीक है
पॉइंट नंबर फाइव शायद है, द फॉरवर्डिंग एनवेलप ऑफ द इंटरमीडिएट वेवलेट्स, इंटरमीडिएट वेवलेट्स द फॉरवर्डिंग एनवेलप ऑफ द इंटरमीडिएट वेवलेट्स रिप्रेजेंट्स the secondary wavefront thus other wavefronts are formed. ठीक है, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा wavefront सब बनते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट लाइन, ए लाइन ड्रॉन from the primary source, line drawn from the primary source in a direction perpendicular to the wavefronts or normal to the wavefronts, perpendicular to wavefronts is called array. क्या कहते हैं उसको? रे कहते हैं. रे का मतलब यही हुआ, इज कॉल्ड ए रे. यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल खत्म हुआ. ठीक है, रे क्या है? इफ यू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, कहां से, सपोज हम कहेंगे यहां से ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से? फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, यहां से. किस डिरेक्शन में? इन डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट्स, ऐसे. So this is going perpendicular to the wavefronts, we'll call it a ray. ठीक है, यहां से दूसरा रे जा रहा है तो इधर से जा रहा है दूसरा रे. लाइक दिस, दीज आर डिफरेंट रेज. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम कहेंगे दीज आर रेज. तो पूरा का पूरा हाइजेंस प्रिंसिपल जो मैंने लिखवाया आपको अभी, दैट इज अवेलेबल इन दिस फिगर फॉर्म. चलिए समझते हैं. ए सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच एनर्जी प्रोपागेट्स इन ऑल डायरेक्शंस एज ए वेव. द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स अराउंड द प्राइमरी सोर्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज कॉन्स्टिट्यूट द वेव फ्रंट. द शेप ऑफ द वेव फ्रंट फॉर ए पॉइंट सोर्स आर स्फेरिकल, फॉर ए लाइन सोर्स इज सिलिंड्रिकल, फॉर ए प्लेन सोर्स इज पैरेलल प्लेन्स. एवरी पॉइंट ऑन द wavefront behaves as a secondary source of light and produces intermediate spherical wavelets. The forwarding envelope of the spherical wavelets represents the secondary wavefront. Similarly, every point on the secondary wavefront will behave as a tertiary source. From that also again spherical wavelets will be coming out. The forwarding envelope will be representing the tertiary wavefront and accordingly other wavefronts are formed. If you draw a line perpendicular to the wavefront passing through the primary source, then that represents a ray. इतना ही चीज है, समझ में आया? पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो बताया ये इतना है आपको हाइजेंस प्रिंसिपल. ठीक है, दो तीन चीज इसमें से हमें समझ में आया. क्या आया? चलो, what we understood for numerical point of view, what we understood. पहला हुआ, इन ए होमोजीनियस मीडियम द एंगल बिटवीन
हमारा ये जो फिगर था, चाहे अगर ये मीडियम होमोजीनियस है कितना भी दूर भी जाओ, ये दोनों एक बीच में एंगल बराबर है नहीं? अगर मीडियम होमोजीनियस नहीं है तो इन ए नॉन होमोजीनियस मीडियम the wave front depends on nature of the medium. जितने भी पॉइंट अभी हम लोग लिख रहे हैं वो आपको कोई पूछेगा नहीं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, ठीक है? सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, अगर नॉन होमोजीनियस मीडियम, सोचो सोचो कि दिस इज व्हाट इज द सरफेस ऑफ वाटर एंड यू होल्ड ए सोर्स ऑफ लाइट, ए प्राइमरी सोर्स हियर. अब ऊपर क्या है, ऊपर है एयर, नीचे क्या है, पानी है. नाउ आई वांट टू ड्रॉ द वेव फ्रंट्स, ठीक है? वेव फ्रंट क्या है, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज. जब ये जो पार्टिकल है, इधर जो रे जा रहा होगा वो आके यहां पर पहुंचा, ये एयर में जा रहा था, वेलोसिटी वाज टू हाई, 3 × 10⁸, लेकिन जब पानी में जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उतना ही दूर जाएगा कि उससे ज्यादा दूर जाएगा कि उससे कम डिस्टेंस जाएगा, कम डिस्टेंस जाएगा. तो मान लो कि जब ये वाला पॉइंट वाइब्रेट किया, ये वाला पॉइंट वाइब्रेट करना शुरू किया, समझ में आ रहा है? जब ये वाला पॉइंट वाइब्रेट किया, तब इधर ये वाला पॉइंट वाइब्रेट करना शुरू किया, डिस्टेंस कम हो रहा है, इधर से ज्यादा जा रहा है, इधर से कम जा रहा है. सो इफ यू सी हाउ दिस शेप इज लुकिंग, हाउ इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, तो आपको मिलेगा ये वेव फ्रंट ऐसा है और घटके ऐसे जा रहा है, इट इज नॉट स्फेरिकल. तो आप देखोगे इसमें जो डिफरेंट वेव फ्रंट्स बनेंगे उनका शेप भी कुछ ऐसे ही बनेगा. सो हैड इट बीन ए नॉन होमोजीनियस मीडियम, द वेव फ्रंट्स वुड हैव बीन स्फेरिकल, बट नाउ इट इज लाइक दिस. पूछ सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ड्रॉ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स. बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे, जानकारी के लिए बोल रहे हैं, वेव फ्रंट्स विल लुक लाइक दिस. फ्रॉम द बेसिक नॉलेज कि जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तब ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, और इधर लाइट का वेलोसिटी कम है तो कम डिस्टेंस गया होगा, समझ में आ रहा है? इधर लाइट का वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस गया होगा. रीडिंग तो ये हुआ. अरे क्यों खासी हो रहा है? तो ये हो गया आपका नॉन होमोजीनियस मीडियम. तीसरा हुआ, कोई पर्टिकुलर केस में अगर आपको वेव फ्रंट दिया गया तो सपोज हम कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज kept between F and center of a convex lens. Draw P थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, kept in front of a convex lens, बाकी चीज में आप कंफ्यूज कर जाओ. An object is kept in front of a convex lens producing a real image. आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है. देख यहां पर कोई एक लेंस है, ठीक है, और इसके सामने हुआ यूं हो कि हम कोई एक मान लेते हैं ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और पता चला कि इसके सामने हम यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, सोर्स है,
और यहाँ से लाइट निकल के जा रहा है, रियल इमेज बन रहा है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो रेज मस्ट बी गोइंग लाइक दिस, कहीं जाके वो कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा करके दिया है, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूसिंग। आपको पूछा है कि बताओ ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज पूछा है कि ड्रॉ दी वेवफ्रंट्स, वेवफ्रंट्स कैसे होते हैं, नॉर्मल टू दी रे, रेज परपेंडिकुलर टू दी वेवफ्रंट, सो वेवफ्रंट्स आर नॉर्मल टू दी रे, आपको ये फिगर बनाना है और क्या करना है, दिखाना है कि इसमें वेवफ्रंट्स आर लुकिंग लाइक दिस, इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, सबको परपेंडिकुलर होना है, मतलब दी वेवफ्रंट विल बी लुकिंग लाइक दिस, ये वाला ऐसे, ये वाला, सो दी डिफरेंट वेवफ्रंट्स आर लुकिंग लाइक दिस, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर ये सबको परपेंडिकुलर होता हुआ, सोचिए दी वेवफ्रंट्स विल बी लाइक दिस, the different wavefronts are shown, बोलेंगे draw the wavefronts, तो क्या है knowledge में आपका, the ray is always perpendicular to the wavefront, तो ray मालूम है तो हम wavefront draw कर लेते हैं, ठीक है, ये हम example पे बता रहे हैं। दूसरा हुआ, अगर हमें पूछा गया give an example of producing parallel wavefronts, producing parallel wavefronts as parallel planes, wavefronts as parallel planes, for a point source of light, कोई point source of light के लिए आपको parallel wavefront बनाना है, point source के लिए तो spherical होता है, तो क्या करोगे, just keep the lens in front of it, कोई convex lens को इसके सामने रखे, ऐसे रखे कि this distance was equal to the focal length, अगर ये distance focal length के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ तो फिर यहां से जो रेज निकल के आएंगे दे विल गो टू इंफिनिटी, ऐसा आया फिर गो लाइक दिस, ऐसा आया फिर गो लाइक दिस, है कि नहीं, सो नाउ व्हाट यू फाइंड, द रेज आर लाइक दिस, यू आर प्रोड्यूसिंग पैरेलल वेवफ्रंट्स, क्योंकि इस दर को इधर को जो वेवफ्रंट्स मिले वो ऐसे ऐसे शेप के मिले, लेकिन इधर जो मिले वो ऐसे ऐसे मिले, सो यू गेट पैरेलल वेवफ्रंट्स। अगर आपको एक बीम ऑफ लाइट बनाना है विद अ पॉइंट सोर्स, नहीं स्पॉटलाइट बनाते हैं, स्पॉटलाइट देखे होगे वो मूवी वगैरह में दिखाता है, वो अंधेरे में ढूंढ रहे स्पॉट पर एक पर्टिकुलर जगह पे लाइट, क्या करते हैं यूजिंग दिस, तो लाइट को एक पैरेलल बीम बना दिया, पीछे एक बॉल ग्लो कर रहा है, कहां पे, एट द फोकस, जो लाइट निकल रहा है वो एक बीम जैसे जा रहा है, तो ढूंढने में वो आसान होता है, समझ में आ रहा है, तो दी वेवफ्रंट्स विल बी लुकिंग लाइक दिस। और भी क्वेश्चन था जो जेई में आया, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मीडियम है, रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और यह है कि यहां पे कोई दो वेवफ्रंट ऐसा है, वेवफ्रंट्स आर लाइक दिस, ठीक है, द वेवफ्रंट्स इन रेयर मीडियम आर शोन, हाउ विल बी द वेवफ्रंट्स इन डेंसर मीडियम चॉइस देते हैं आपको,
जेई का क्वेश्चन है, याद है मेरे को 2008 का, एक अच्छा लड़का था, गलत करके आ गया था, स्पार्क माथा पीट रहा था, गलत कर दिया उसने, ठीक है, तो ही गॉट मुंबई IIT, लेकिन इसको गलत कर दिया था, तो बताओ क्या होगा, हाँ क्या होगा, सी, देखो ये तो फटाफट बताने लगा, अगर वेफ्रॉन्ट ऐसा है, रेयर कैसा होगा, नॉर्मल टू दी वेफ्रॉन्ट, नहीं, और ये अगर रेयर मीडियम में ऐसा है तो ऑब्वियसली जो डेंसर मीडियम में जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, अगर टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर गया तो कैसे हो जाएगा, द रे विल बी लुकिंग लाइक दिस, है कि नहीं, अब इसको परपेंडिकुलर करके वेव फ्रंट लेना है, यू हैव टू कंसीडर द वेव फ्रंट्स परपेंडिकुलर टू दिस, तो ऐसा समझ में आ रहा है क्या, इज इट अंडरस्टूड, अगर ऐसा है प्राइमरी का वेव फ्रंट आई मीन रेयर मीडियम का वेव फ्रंट तो डेंसर मीडियम का वेव फ्रंट ऐसा हो, समझ में आ रहा है, हां ओके, तो ऐसे करके वेव फ्रंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग ले ली, छोटे छोटे वन मार्क वाला क्वेश्चन आते हैं, फॉर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए पर्टिकुलर वेव फ्रंट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ ए वेव फ्रंट, क्या हो, फॉर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वेव फ्रंट्स आर स्फेरिकल, किसी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में दो पॉइंट में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है भाई, विप्रण किसको कहते हैं, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, सारे का फेज तो बराबर है, तो फेज में कोई भी दो पॉइंट में ले लो जीरो ही निकलेगा, है ही नहीं, हाँ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेल नाउ लेट अस सी वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आता है बताए, 5 मार्क के लिए, स्टेट हाइजीन प्रिंसिपल एक्सप्लेन द वेरिफिकेशन और वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल, ये आएगा, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करना, मतलब हमें प्रूफ ये करना है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, तो चलिए चलिए पहले हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और चलो मानते हैं कि यहां पर से दो रे आके दो पैरेलल रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दिस इज अनदर पैरेलल रे, दे आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम हियर, एक रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रहा है, दूसरा रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है लेकिन जा रहा है, तो अभी हम कहेंगे कि हमें प्रूफ करना है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, तो दोनों रे पैरेलल है, ये एंगल अगर इंसिडेंट एंगल है तो ये एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल है, इसको भी कर सकते थे, क्लॉन्जी हो जाएगा तो इसको किए, सो नाउ हियर इज रे वन, हियर इज रे टू, तो आई कंसिडर दिस एज ए वेव फ्रंट टू द इंसिडेंट रेज, ठीक है, सिमिलरली आई कैन ड्रॉ अनदर वेव फ्रंट हियर, कैसे पता किया इसको, बाय ड्रॉइंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ दिस रेज, तो यहां पे ये जो रे है दैट इज ए वेव फ्रंट, चलो नाम देते हैं, जो रिफ्लेक्शन हो रहा था कहां से हो रहा था, ए से और बी से, ये जो पॉइंट है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, चलो इस पॉइंट को कहते हैं पी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सिमिलरली इस पॉइंट से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से, बी से, चलो ये बन जाएगा आई एम ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर टू बोथ द रेज एंड कॉल दिस पॉइंट एच क्यू, ठीक है, पहले वैल्यूज को लिख देते हैं फिर आगे की चीज करेंगे तो बढ़िया रहेगा, मैं जो भी अभी करवाया आप सारे लिखेंगे, यहां पर एक वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट फिर आगे और वेव फ्रंट बना,
यहाँ पर से पास करता हुआ वेब फ्रंट है एपी, ए से पास करता हुआ वेब फ्रंट हुआ एपी, बी से पास करता हुआ वेब फ्रंट हुआ बीक्यू, और आगे और आगे और भी वेब फ्रंट बन रहे थे। There is several other wavefronts. How you draw a wavefront? Perpendicular to the rays. ऐसे करके ढेर सारे wavefront आगे की तरफ जा रहे हैं। रे ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। अच्छा, अगर ये एंगल है इंसिडेंट एंगल, ऑब्वियसली दिस एंगल इज 90 माइनस आई। वाई? बिकॉज पी ए इज परपेंडिकुलर टू दिस रे। वाई परपेंडिकुलर टू दिस रे? क्योंकि इसको wavefront मार रहे हैं हम, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इंटेंशनली। ये अगर अगर 90 माइनस आई हुआ तो पी में ये पॉइंट को कहूंगा, क्या पॉइंट होगा ये, दिस एंगल विल बी आई। सिमिलरली अगर ये एंगल हुआ आर तो ये एंगल होगा 90 माइनस आर, और ये एंगल हो जाएगा इक्वल टू आर। ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये है आई, ये है आर। ये है I और ये है, ये एंगल है R। देख सको तो देख लो। ये हो गई फिगर हमारा। ये फिगर को हम ड्रॉ करना कोशिश करते हैं, जो भी किए हैं उसको लिखेंगे, क्योंकि लिखने के लिए आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लेट अस कंसीडर टू Parallel rays reflecting from A and B। ठीक है, एट पॉइंट A we draw a perpendicular, to the rays, perpendicular AP to the rays. This behaves as a wavefront. क्योंकि perpendicular to the rays will behave as a wavefront. Why? Because the rays are perpendicular to the wavefront, है ना? तो ठीक है। Similarly, ये कौन सा है, BQ is another wavefront on the reflected rays, another wavefront on reflected rays by Huygens principle, कोई हाइजीन बोलता है, उनको खुद को मालूम होगा क्या था नाम उनका। Huygens principle the points A and P आर इन सेम फेज, क्योंकि वो सेम वेव फ्रंट पे, आर इन सेम फेज। सिमिलरली बी एंड क्यू आर ऑल्सो इन सेम फेज, ठीक है।
आर इन सेम फेज। तो यहाँ तक की जो चीजें लिखे वो आपको समझ में आ गया। देखो ए एन पी ए के वेब फ्रंट पे है तो ए और पी सेम फेज में, बी एन क्यू ऑल्सो सेम फेज में। अब जो लाइट रे ए पे आया और रिफ्लेक्ट करके जब तक क्यू में गया उसका कुछ फेज बदल गया होगा, क्योंकि पाथ रिफरेंस पाथ बदलता है तो फेज बदलता है। फिर इट कवर से पाथ डेल्टा एक्स फेज विल एडवांस कितना, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, फेज भी बदल रहा है। ये भी रे आया यहां से यहां पर आया इसका भी फेज बदल रहा है, लेकिन पी से पी तक आने में इसका फेज बदल के कुछ हो गया, इसका फेज बदल के कुछ हो गया और दोनों का फेज फिर से बराबर है और यहां पर भी बराबर था। मतलब यहां से यहां तक जाने में रे टू का जितना फेज चेंज हुआ है, ए से क्यू तक जाने में रे वन का उतना ही फेज चेंज हुआ है। मतलब पी से बी तक का पाथ रिफरेंस और पाथ लेंथ और ए से क्यू तक का पाथ लेंथ भी बराबर है। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो क्या कहेंगे, दस पाथ लेंथ कौन सा पाथ लेंथ पी बी मस्ट बी इक्वल टू ए क्यू, पाथ लेंथ पी बी इज इक्वल टू ए क्यू, PB is equal to path length AQ, है ना? Path length PB is equal to path length AQ, ऐसे लिखो, is equal to path length PB था क्या ये? PB हाँ is equal to AQ, okay. AQ now PB is equal to AQ, पर देखो तो PB क्या है, ये ट्रायंगल को APB ट्रायंगल को देखो, PB PB कौन है, ये PB क्या है, PB is nothing but AB sin A, APB ट्रायंगल में APB ट्रायंगल में ये AB है ये I है तो this length is AB sin A, है कि नहीं? और जो आपका BQ है BQ ये लेंथ, आप देखो अभी ABQ ट्रायंगल में ये R AQ 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 पता करना है, अगर ये AB है और ये R है AQ will be equal to AB sin R, देख लो ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वे यहां पर ये जो ये ट्रायंगल को देखो, लुक एट दिस ट्रायंगल, ध्यान से देखो। अब इसमें ये एंगल R है, ये लेंथ AB है, AQ कितना होगा AB sin R, BQ कितना होगा AB cos R, so AQ is AB sin R, ठीक है। अब ये ट्रायंगल को देखो, now look at this triangle, हाँ ये ट्रायंगल में बताओ कितना है लेंथ PB, PB कितना है AB sin A, है ना? तो ठीक है, तो पता चला कि it is AB sorry PB क्या हो गया, PB हो गया PB PB हो गया AB sin A, it is AB sin A, and AQ हो गया AB sin R, तो AB AB को खा गया, sin I is equal to sin R और I is equal to R, so it is verified. You consider light is a wave and obey Huygens principles, then you can also find that law of reflection can be very easily verified. समझ में आया क्या? Overall चीजों को फिर से बता देते हैं। दो रे आए, reflect किए और गए। मैं यहाँ पर एक perpendicular draw कर दिया, यहाँ पर एक perpendicular draw कर दिया। When I draw a perpendicular, P and A are on the same line, so that behaves as a wave front, perpendicular to wave front, P and A same phase में है, similarly B and Q same phase में है, P यहाँ पर आया, यहाँ से जो ray आया, यहाँ पर आता है, तो इसका phase बदल गया, ये यहाँ से यहाँ पर गया, इसका भी phase बदल गया, लेकिन यहाँ पर दोनों का phase बराबर हो गया, और यहाँ पर दोनों का बराबर था, मतलब इसका phase जितना बदला, इसका भी phase उतना ही बदला, phase कितना बदलता है, formula you know, the formula is, कोई ray जब आगे जाता है delta x, कितना phase बदलता है,
फेज बदलता है 2π/λ इनटू डेल्टा एक्स, मतलब दोनों का फेज में बराबर बदलाव आया है, मतलब दोनों बराबर लेंथ गए होंगे, ये जितना दूर गया है ये उतना ही दूर गया है कि नहीं, इसका मतलब दोनों का डेल्टा फाई बराबर है, तो पक्का दोनों का डेल्टा एक्स बराबर होगा, मतलब ये जितना दूर गया पी बी दैट इज इक्वल टू ए क्यू, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा तो पी बी का वैल्यू हो गया ए बी साइन आई और ए क्यू का वैल्यू हो गया ए बी साइन आर, दोनों की इक्वेट करें और हमारा काम निकल गया। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलो मानते हैं कि यहां पर दो मीडियम है, ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। चलो मानते हैं कि दो रे पैरेलल होके गिरे इसके ऊपर, आई एम कंसिडरिंग टू पैरेलल रेज ताकि मेरे को कैलकुलेशन आसान हो जाए। सपोज ये डेंसर मीडियम है, ये कुछ ऐसा बेंड कर गया और ये भी ऐसा ही बेंड कर गया, हमें क्या प्रूफ करना है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। आई क्या है, आई इज द इंसिडेंट एंगल, ठीक है इतना ही छोटा करते हैं, आई इज द इंसिडेंट एंगल। और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग एंगल, ध्यान से तो ये एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल और ये एंगल हो गया रिफ्लेक्टिंग एंगल। हमें प्रूफ करना है कि म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ए एंड बी आर टू पॉइंट्स वेयर द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, तरीका वही है जैसे प्रीवियस केस में किए थे, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन टू द सेकेंड रे, दिस इज व्हाट इज ए परपेंडिकुलर आई हैव ड्रॉन, दिस इज रे वन दिस इज रे टू, अब ये पॉइंट को पी कहो, सिमिलरली बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसके ऊपर, ये हुआ एक परपेंडिकुलर जिसको आप कहोगे क्यू, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। वेल अगर ये आई है तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इसके साथ, तो ये 90 माइनस आई हुआ तो ये हो गया आई। सिमिलरली आर है तो ये एंगल है 90 माइनस आर और ये एंगल हो गया आर। देखो नाउ बी क्यू इज ए वेव फ्रंट, ए पी इज ए वेव फ्रंट, मतलब ए और पी सेम फेज में है, बी और क्यू सेम फेज में है, ए और पी सेम फेज में है, बी और क्यू सेम फेज में है। ए जब यहां पर आया या इधर से आता हुआ ए का फेज बदल गया, पी जब पी पे आया उसका भी फेज बदल गया, लेकिन इसका जितना बदला इसका भी उतना ही बदला, तो इसलिए तो दोनों का फेज यहां पर बराबर हो गया। ए और पी में दोनों का फेज बराबर था, ये जब आया बी पे द एनर्जी केम टू दिस पॉइंट, इतना दूर आया तो जिस फेज में जो बदलाव आया ए यहां तक आने में उतने ही फेज का बदलाव आया, इसलिए यहां पर भी दोनों का बराबर है। मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ दिस वन एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ दिस वन मस्ट बी सेम। अगर ये डिस्टेंस BP है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगा, म्यू वन इंटू BP रहेगी, और AQ क्या होगा, म्यू टू इंटू AQ। समझ में आ रहा है क्या, म्यू वन इंटू BP मस्ट बी इक्वल टू म्यू टू इंटू AQ, फिर BP और AQ का फिर डाल देंगे और काम बन जाएगा। लेट अस प्रोसीड एंड सी, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल रेज रिफ्रैक्टिंग एट ए एंड बी। AP is a AP is a perpendicular to AP is a perpendicular to B rays AP and AP and दूसरा वाला का एक साथ लिखते हैं जितना कम होगा AP and BQ AP and
dq AP and BQ are perpendiculars to the rays. So we have edge wavefronts. Oh, wavefronts जैसे behave करते हैं. They behave as wavefronts. ठीक है. A and P are in same phase. And B and Q are in same phase. A and P भी same phase में हैं, B and Q are also in same phase. मतलब, the optical path length A to Q is equal to optical path length P to B. ठीक है? Thus, optical path length, कौन सा optical path length? AQ must be equal to PB. AP, AQ is equal to optical path length PB. So, optical path length AQ का क्या होगा? AQ का medium 2 है. कहो कि refractive index mu 2 है. इसका mu 1 है, तो mu 2 into AQ for a medium of length L, refractive index mu, the optical length is mu into L. Previous class देखे थे, so it is mu 2 into AQ. Previous class optical length देखे हैं हम लोग, mu 2 into AQ is equal to mu 1 into PV. ठीक है, mu 2 को mu 2 रहने दो, AQ को क्या लिखेंगे देखो, AQ, look at this ABQ triangle. ABQ triangle में ये जो परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर. यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे इसको, नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आर है. तो आप क्या कहोगे, AQ इज इक्वल टू AB sin r और PB इज इक्वल टू AB sin a, है कि नहीं? तो AQ की जगह AB sin r, PB की जगह AB sin a, तो कहेंगे दिस AB sin r that is equal to mu r ab sin i. तो ab तो दोनों तरफ से गया, मिला mu 2 sin r is equal to mu r sin i. Hence law of refraction is also verified. समझ में आ रहा क्या? थोड़ा मैं जंबल कर दिया फिगर ड्रॉ करने में, शायद आपको कंफ्यूज लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो चीजें काफी सिंपल, फिगर ड्रॉ करके देखोगे तो आपको, लेकिन कुछ नहीं है इसमें. दोनों का पहला वेव फ्रंट में दोनों का फेज बराबर था, दूसरे वेव फ्रंट पे भी बराबर है. मतलब यहां से यहां तक आने में इसका फेज जितना बदला, यहां से यहां तक आने में उसका फेज उतना ही बदला. मतलब इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ बराबर होगा, खत्म. समझ में आया? बस इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद.